हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कर्क राशि वालों के लिए, यानी कैंसर राशि वालों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 पाइल बनाई हुई है। फर्स्ट पाइल में फैमिली के लिए, सेकंड पाइल में लव लाइफ के लिए, थर्ड पाइल में कैरियर के लिए, और ये फोर्थ पाइल स्टूडेंट, और 5 पाइल है हेल्थ को लेकर। तो ये 5 पाइल के लिए मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब फैमिली वालों के लिए कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा फैमिली को लेकर। तो हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ कफ 3 ऑफ वॉन्ड्स और द डेविल। ओके, तो फैमिली में गाइस थोड़ी अनबन हो सकती है गाइस दिसंबर महीने में, तो आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। और गाइस फैमिली में आपको अपने शब्दों को ठीक तरह से बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, इस वजह से आपको बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है। तो इस वजह से थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है गाइस आपको। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि आप जो ज़्यादा इमोशनल होते हो उसके लिए ज़्यादा मत सोचिए, वो आपका नेचर है। इस वजह से आप थोड़ा सोच समझ कर बोलिए गाइस, क्योंकि आपके वर्ड्स सामने वाले को बुरे लग सकते हैं गाइस। ओके, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। और दूसरी ये बात गाइस कि कर्क राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने शब्दों की वजह से लोगों के सामने बुरे दिख सकते हो गाइस, तो आपको अपने वर्ड्स ठीक तरह से यूज़ करने हैं, यही मैं कहूँगी। और बाकी आपकी फैमिली के साथ आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी गाइस। आपको थोड़ा उनके साथ ज़्यादा इमोशनल ना होकर थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन कभी कभी आपको छोटी छोटी बातों का भी बुरा लग जाता है। इस वजह से ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है आपका। तो प्लीज़ आप थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी लोग इमोशनल नहीं होते हैं। इस वजह से आपको अपनी फीलिंगों को किसके सामने रखना है, किसके सामने नहीं रखना है, वो ध्यान रखना है गाइस। ओके, तो कर्क राशि वालों के लिए फैमिली के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गए हो, और आप बहुत ही अच्छी तरह से उनकी हेल्प करते हो और उनकी मदद भी करते हो। लेकिन कभी कभी क्या बात है कि आपकी फैमिली के आसपास के लोग, मतलब आपकी फैमिली के लोग कभी कभी आपको नहीं समझ पाते हैं गाइस। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा कभी आपके ज़्यादा इमोशंस को किसी के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना लगे उतना ही अपना इमोशंस दिखाइए, ज़्यादा अपने बातों को नहीं बताइए, तो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। ओके, तो ये है फैमिली के लिए कर्क राशि। ओके बाय गाइस। हाय गाइस, अब देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में लव लाइफ कैसे रहेगी। ओके, तो हमारे पास पहला कार्ड है क्रिएटर, टर्निंग इन और हारमोनी। ओके, तो इसका मतलब ये है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो गाइस। ओके, और आपके पार्टनर की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल वो अपने कुकून में बैठे हुए हैं, और वो कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग आए और मैं आपके लिए कुछ अच्छा डिसीज़न ले पाऊँ। इस वजह से वो अभी हाल फिलहाल रुके हुए हैं और कुछ भी एक्शन आपको लेकर नहीं लेना चाहते हैं, और उनकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो समझ गए हैं कि अभी
मेरे लिए ये सही वक्त नहीं है, इस वजह से वो शांति से बैठे हुए हैं और उन्हें अपने यूनिवर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है गाइस, और उनकी होप आपको लेकर यूनिवर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा है गाइस, इस वजह से वो रुके हुए हैं और उन्हें पता है कि मेरा पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला, वो मेरा इंतज़ार ही करेगा, इस वजह से वो अपने आप को शांत करके हुए बैठे हुए हैं। ओके, तो हार्मनी क्रिएटर ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और वो आपके पार्टनर अपने यूनिवर्स के ऊपर इतना ज़्यादा उनको भरोसा है और आपके ऊपर भी इतना ज़्यादा भरोसा है कि अभी हाल फिलहाल वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और आपके पार्टनर इस तरह के गाइस कि उनको दूसरों की बातों से कभी भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता है, इस वजह से वो अपने में ही रहना पसंद करते हैं। ओके, तो दिसंबर महीना में आपके पार्टनर आपको लेकर कोई एक्शन तो नहीं लेंगे गाइस, लेकिन उन्हें आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और वो आपका भरोसा तोड़ना भी नहीं चाहते। ओके, और उन्हें पता है कि हम दोनों एक दिन ज़रूर साथ में होंगे और आपकी लव लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है गाइस, वो सामने से ही अपने आप को शांत रखे हुए बैठे हुए, और दिसंबर महीने में वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद करने वाले हैं और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है वो याद करते हुए वो खुश होंगे। ओके, वो आपको छोटा मोटा ऑफर दे सकते हैं, मतलब कि वो आपको फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं गाइस, और जिनको ब्लॉक किया है उनको अनब्लॉक कर सकते हैं दिसंबर महीने में। ओके, तो ये है लव लाइफ को लेकर कर्क राशि। बाय गाइस। हाय गाइस, अब देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के दिसंबर महीना में कैरियर कैसा रहेगा। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कार्ड है 7 of Swords, 5 of Wands और द लवर्स। ओके, तो कर्क राशि वालों के लिए मैं यही कहूंगी गाइस कि कैरियर में अभी हाल फिलहाल आपका वक्त ठीक नहीं चल रहा है। दिसंबर महीने में कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा देख सकता है जॉब या बिजनेस में, तो आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपको चीट कर रहा है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, और पैसे को लेकर भी कोई आपको फॉल्ट हो सकता है गाइस, तो उसके लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि दिसंबर महीने में कोई इंसान आपको झूठ बोल के आपको धोखा दे सकता है, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो, तो आपको इसके लिए भी थोड़ा शांति से सोचना पड़ेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किस तरह से उस बात को लेना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिसंबर महीने में आपको अलर्ट रहना है और बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है, और आपको झूठ कोई बोलता हो तो तुरंत उसको पकड़ना सीखना पड़ेगा आपको, और आप कोई धोखा भी दे सकता है और आपके बिजनेस या जॉब में फॉल्ट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, फाइनेंस को लेकर भी नुकसान हो सकता है गाइस, तो आपको इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। ओके, और दिसंबर महीने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको लगेगा, तो इससे बाहर कैसे निकलना है वो भी आपको सोचना है। ओके, और मैं बस आपको यही कहूँगी कि आपको अपनी तरह से सोच समझकर आगे बढ़ना है और इस तरह की मुसीबतों में आप नहीं फंसो, इसके लिए आपको पहले से ही अलर्ट रहना है। आपको अपने बिजनेस जॉब को किस तरह से संभालना है उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, ध्यान देना है, और जो जिनको जॉब या बिजनेस करना है और जिनको जॉब नहीं मिल रही उनके लिए मैं बता दूं कि आपको दिसंबर महीने में
जॉब के कुछ इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे गाइस, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप किसी के अंदर किसी के साथ आप पार्टनरशिप करके बिजनेस कर सकते हो गाइस, ओके। और मैं बस आपको यही कहूँगी कि आप जॉब करो तो इसमें आपको शुरुआत में सफलता ही मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ओके। और जॉब के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि वक्त कर्मा ये सब कुछ असर करता है हमारी लाइफ को, इफ़ेक्ट करता है, तो आपको इसके लिए थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो जल्द से जल्द आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मैं बस इतना ही कहूँगी आपको, ओके। तो ये है कैरियर वालों के लिए कर्क राशि, ओके। बाय गाइस। हाय गाइस, अब देखते हैं कि दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों को लिए स्टूडेंट का कैसा रहेगा, ओके। तो स्टूडेंट के लिए हमारे पास कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, स्ट्रेस और एबंडेंस। तो गाइस, स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आप जो बहुत ही ज़्यादा आप पढ़ते हो, आप ध्यान भी देते हो, आप मेहनत भी करते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल तरीके से आगे बढ़ते हो, तो ये नहीं चलेगा। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी गाइस कि आप डर डर के पढ़ोगे तो आप कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं बस आपको यही कहूँगी कि आपको कूल तरीके से बस अपनी मेहनत करते जाना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। और आपको लग रहा हो कि मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपको मेन पॉइंट कुछ याद कर लेने हैं और फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपका ये स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ओके। और मैथ्स के लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो मैथ्स इजीली आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए आप अब जो भी वर्ड्स आप पढ़ते हो वो वर्ड्स कुछ कुछ आपको याद रखने हैं, और उसके लिए आपको वो वर्ड्स याद रखने के बाद उनके उस वर्ड के लिए आपको डिटेल में याद रखना है, और उसके लिए डिटेल में आपको लिखना भी है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ठीक तरह से आ जाएगा और आप अपने आप को एबंडेंस महसूस करेगी। तो दिसंबर महीने में मैं बस आपको यही कहूँगी कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बर्डन महसूस नहीं करना है। और दिसंबर महीने में स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हो उसको फोकस कीजिए, और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली जेन्युइन तरीके से आप पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और स्ट्रेस लेकर कुछ भी मत करिए, तो दिसंबर महीना आपका अच्छा रहेगा गाइस, ओके। और आपको एबंडेंस ही एबंडेंस मिलेगी, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो पा सकोगे। आपको दो चीज़ों में से सोचना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस लेना है या मेहनत करनी है। मेहनत करनी है तो स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस लेना है तो मेहनत नहीं करनी है, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बस आपको यही कहूँगी गाइस कि आप मेहनत करो, लेकिन फल की आशा मत रखो, वो तो यूनिवर्स देने ही वाला है आपको, ओके। तो ये है स्टूडेंट्स के लिए कर्क राशि, ओके। बाय गाइस। हाय गाइस, अब देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में हेल्थ कैसी रहेगी, ओके। तो इसके लिए हमारे पास कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और द मून, ओके। तो आपकी बात ये है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, इस वजह से छोटी छोटी हेल्थ के इशू की वजह से भी आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो वो आपको नहीं करना है।
आपको थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हो, तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा मेडिटेशन किया करिए। सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, योगा है, इन सब से आपको टाइम नहीं मिलता है, तो सिर्फ आप कुछ सिर्फ दो बार सूर्य नमस्कार एक दिन में कीजिए, वही अच्छा रहेगा। या फिर प्राणायाम जो आते हैं, बहुत सारे प्राणायाम आते हैं, इसमें से कुछ हल्का फुल्का प्राणायाम आता है गाइस, वो आप कीजिए, तो आप जो ये अपनी हेल्थ को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाते हो वो नहीं रहोगे, और अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। ओके, तो हेल्थ को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर महीने में आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। सिर्फ आप ही थोड़ा चिंतित लग रहे हो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो उसके लिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, और जिनकी हेल्थ खराब है, अच्छी नहीं है गाइस, उनको मैं बता दूं कि दिसंबर महीने में आपको उसके लिए फिक्र नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो आपकी अभी ट्रीटमेंट चल रही है वो बरकरार रखिए, और आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो दिसंबर महीने में। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।